दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रभात बालिया सर की जो दो किताबें अभी मार्केट के अंदर आई है दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के बारे में। भाग फर्स्ट में आपको फंडामेंटल और कंप्यूटर देखने को मिलता है, डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट, आईटी विकास। दोस्तों हिंदी मीडियम की ये बुक्स मेरे पास है दोस्तों, मैंने इनको पढ़ के और जानने की कोशिश करी कि कितना दम इन किताबों के अंदर है, क्या ये अदर कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं उनकी तरह ही मैटर है इस किताब के अंदर, ये सब कुछ क्या है। वही बात करें भाग सेकंड की तो इसमें डीबीएमएस है, सिस्टम एनालिसिस है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क कंसेप्ट है, सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किताबें हैं, जैसा कि सर ने कहा है, 9 से 12 राजस्थान बोर्ड, बीसीए, पीजीडीसी और हरियाणा, यूपी और एमपी के कुछ किताबों से मिलकर एक तरीके से बनाई गई है दोस्तों। हिंदी मीडियम में बेसिक्स करने के लिए अच्छी किताब है। अगर भाग फर्स्ट की बात करूं दोस्तों तो इसमें जो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर देखने को मिलता है दोस्तों, फंडामेंटल और कंप्यूटर काफी अच्छा है दोस्तों, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा इससे फंडामेंटल पढ़ने में। एमसीक्यूज भी इसके अंदर बैक साइड में दिए गए हैं, मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल रहे हैं और फंडामेंटल काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब अगर इस किताब में हम आगे बढ़े और अलग अलग टॉपिक्स की बात करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे डीबीएमएस हो, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे आपका नेटवर्किंग हो, चाहे इसमें आपका जो भी एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस दिया गया है वो हो दोस्तों, तो देखिए बेसिक्स तो आप इससे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन यदि आप बेसिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं या इसी किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो शायद जब आप इन किताबों को खोलोगे कुछ आपको थोड़ा सा अजीब जरूर फील होगा कि इनके अंदर ज्यादा मैटर आपको नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पड़ाव को पार कर चुके हैं दोस्तों। मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि जब आप बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और किसी अच्छे लेवल पर इस वक्त पढ़ रहे होते हैं, तो जब आप नीचे वाली थोड़ी सी किताबों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद किताबों के अंदर ज्यादा दम है नहीं। लेकिन मान लीजिए बोर्ड ऐसा पेपर बनाता है जो बेसिक्स बेसिक्स से बनाता है, जैसा रीट में हुआ, जैसा पटवारी में हुआ, तो किताबें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यदि बोर्ड ज्यादा डीपली जाता है दोस्तों पेपर को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि पूर्ण रूप से किताबें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये किताबें आपके लिए बेस्ट हो सकती है। काफी अच्छा और अच्छे ढंग से समझाया और पढ़ाया भी गया है, आपको पढ़ने में हेल्पफुल रहेगी। हिंदी मीडियम में है मेरे पास तो अभी ये, तो आपको यदि बेसिक्स क्लियर करना है और एडवांस लेवल पर जाना है तो आपके लिए अच्छी किताबें हैं। वहीं आप इनको कंपेयर करें इस वक्त जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उनके जो नोट्स हैं उनके साथ, तो आपको थोड़ा सा अजीब फील कराने वाली है। जैसे मैं अगर बात करूं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस 5-7 पन्नों के अंदर इसके अंदर खत्म हो जाता है दोस्तों और सीधा ही MySQL स्टार्ट कर दिया जाता है। डीबीएमएस का थोड़ा सा परिचय है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है और उसके बाद ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ईआर मॉडल वॉडल तो सब कुछ पढ़ाया गया है, आपके रे भी पढ़ाए गए हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन सीधा MySQL स्टार्ट कर दिया गया। तो यदि आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं जो 30 लेक्चर ऑलरेडी डीबीएमएस के ऊपर दे रहे हैं, तो आपको ये किताब थोड़ी सी ऑड फील हो सकती है दोस्तों। अगर पेपर का लेवल ज्यादा अच्छा आता है तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। जैसा कि सर ने भी बताया और सर ने भी कहा है कि बेसिक्स और एक स्टैंडर्ड लेवल तक के लिए तो ये किताबें ठीक है, लेकिन यदि आपको डीपली नॉलेज चाहिए और टॉपिक आपका बिल्कुल खतरनाक वाला आपको करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी या फिर किसी और बुक्स की ओर जाना होगा दोस्तों। क्योंकि बेसिक्स के लिए ठीक लगी मुझे ये किताबें, लेकिन स्टैंडर्ड या हाई लेवल, स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर की मैं बात करूं तो उतना दम इस किताब के अंदर नजर नहीं आने वाला है। बात करें इसका जो थर्ड पार्ट आने वाला है दोस्तों, तो थर्ड पार्ट अभी हालांकि मेरे पास है नहीं, तो उसके बारे में तो मैं अपनी राय कैसे दे दूं, लेकिन यदि थर्ड पार्ट भी इस लेवल का होने वाला है तो ज्यादा दम आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यदि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये किताबें आपके लिए ठीक हो सकती है। काफी अच्छी नॉलेज है बेसिक्स की तो स्टैंडर्ड लेवल तक की इन किताबों के अंदर, लेकिन यदि आप किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, खतरनाक वाली नॉलेज लेना चाहते हैं ताकि आप कहीं भी पीछे ना रह जाए कंपटीशन के इस दौर में, तो शायद आपको किसी और की ओर जाना होगा। ये किताबें फिर आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं रह जाती है दोस्तों। यदि आप लोगों के पास भी ये किताबें हैं तो आप अपनी राय इन किताबों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक जो शायद मेरे से छूट गया हो या फिर मैं इन किताबों के बारे में ठीक से नहीं बताया पाया हूं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो ये था कंप्यूटर अनुदेशक किताबों का थोड़ा सा रिव्यू, जो मुझे लगा अच्छा खासा रिव्यू दिया दोस्तों, कोई पेड़ कुछ भी ऐसा है नहीं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।